नागरिकता संशोधन कानून के संबंध में अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर कफील खान पर वहां के प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। डॉक्टर कफील खान पर अलीगढ़ प्रशासन ने रासुका लगा दी है। रासुका लगाए जाने के बाद डॉक्टर कफील खान की मथुरा जिला कारागार से होने वाली रिहाई विगत दिनों टल गई। बताया गया है कि डॉक्टर कफील खान को अलीगढ़ से जमानत मिल गई थी, लेकिन इसी मध्य जिला प्रशासन अलीगढ़ द्वारा डॉक्टर कफील पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और लगा दिया गया, जिसकी जानकारी यहां पर मथुरा जिला कारागार पहुंच गई। इसकी सूचना आधिकारिक आते ही डॉक्टर कफील खान की जमानत के आधार पर यहां से होने वाली रिहाई टल गई। डॉक्टर कफील की रिहाई आदेश कल रात में 8 बजे के बाद आया था। आज मॉर्निंग में उनकी रिहाई होनी थी। उनकी रिहाई होने से पूर्व जनपद अलीगढ़ से डीएम महोदय के आदेश पे एनएसए का आदेश आ गया था, तो एनएसए उन पर तामील कराया गया है। मथुरा जेल कब शिफ्ट किया गया था? हाँ, मथुरा जेल इन्हें 31 जनवरी को शिफ्ट किया है, अलीगढ़ से शिफ्ट किया गया था। वर्तमान में वो एनएसए में बंद है, और जिस केस में उन्हें यहाँ शिफ्ट किया गया था, माननीय न्यायालय के केस था 153-154, उसमें उनकी जमानत। नागरिकता संशोधन कानून के संबंध में अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर कफील खान पर वहां के प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। डॉक्टर कफील खान पर अलीगढ़ प्रशासन ने रासुका लगा दी है। रासुका लगाए जाने के बाद डॉक्टर कफील खान की मथुरा जिला कारागार से होने वाली रिहाई विगत दिनों टल गई। बताया गया है कि डॉक्टर कफील खान को अलीगढ़ से जमानत मिल गई थी, लेकिन इसी मध्य जिला प्रशासन अलीगढ़ द्वारा डॉक्टर कफील पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और लगा दिया गया, जिसकी जानकारी यहां पर मथुरा जिला कारागार पहुंच गई। इसकी सूचना आधिकारिक आते ही डॉक्टर कफील खान की जमानत के आधार पर यहां से होने वाली रिहाई टल गई। डॉक्टर कफील की रिहाई आदेश कल रात में 8 बजे के बाद आया था। आज मॉर्निंग में उनकी रिहाई होनी थी। उनकी रिहाई होने से पूर्व जनपद अलीगढ़ से डीएम महोदय के आदेश पे एनएसए का आदेश आ गया था, तो एनएसए उन पर तामील कराया गया है। मथुरा जेल कब शिफ्ट किया गया था? हाँ, मथुरा जेल इन्हें 31 जनवरी को शिफ्ट किया है, अलीगढ़ से शिफ्ट किया गया था। वर्तमान में वो एनएसए में बंद है, और जिस केस में उन्हें यहाँ शिफ्ट किया गया था, माननीय न्यायालय के केस था 153-154, उसमें उनकी जमानत।